गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास टेंथ के इंग्लिश के फुटप्रिंट्स विदाउट फिट के सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर नंबर 9 है, भोली बाय के ए अब्बास। इसका आज हम लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करेंगे और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस में हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। फ्रेंड, यदि हमारी वीडियो से आपकी कोई भी हेल्प हो रही हो तो मेरी हेल्प करने के लिए इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन का ऑप्शन है, वहाँ से आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। आइए बिना देर के हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फैमिली ऑफ रामलाल, यानी रामलाल के परिवार के बारे में बताइए। तो इसका आंसर होगा, इन रामलाल्स फैमिली देयर वर 7 चिल्ड्रेन, 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, भोली वाज द यंगेस्ट वन। यानी रामलाल के परिवार में 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां, भोली सबसे छोटी थी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हाउ सुलेखा बिकेम भोली, यानी सुलेखा भोली कैसे बनी, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, और उसके पीछे क्या कारण था। तो इसका आंसर होगा, व्हेन सी वाज 2 इयर्स ओल्ड, यानी जब 2 साल की थी, भोली हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो भोली को चीचक हो गई। एंड व्हेन सी वाज 10 मंथ्स ओल्ड, और वो जब 10 माह की थी, सी फेल फ्रॉम कॉट एंड इंजर्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन एंड बिकेम अ बैकवर्ड चाइल्ड, तो वह बिस्तर से गिरने के कारण उसके सिर पर चोट लग गई और वह बुद्धू कहलाने लगी। इसमें 3 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड रामलाल डू टू परस्यूट बिशंबर टू मैरी भोली, यानी रामलाल ने भोली से शादी करने के लिए बिशंबर को मनाने के लिए क्या किया। तो इसका आंसर होगा, रामलाल डिसाइडेड टू गिव 5000 रुपीज टू बिशंबर सो दैट ही कुड मैरी हिज डॉटर, यानी रामलाल ने 5000 रुपये बिशंबर को देने का फैसला किया ताकि वह उसकी बेटी भोली से विवाह कर ले। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड द तहसीलदार सजेस्ट टू रामलाल, यानी तहसीलदार ने रामलाल को क्या सलाह दी। तो इसका आंसर होगा, तहसीलदार सजेस्टेड रामलाल टू सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल इन ऑर्डर टू सेट एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ द विलेजर्स, यानी तहसीलदार ने रामलाल को सलाह दी कि वह अपनी बेटियों को स्कूल पढ़ने भेजे ताकि वह गांव वालों के सामने एक मिसाल यानी उदाहरण दे सके। 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई वाज भोली हेजिटेटेड टू गो टू स्कूल, यानी भोली विद्यालय जाने के लिए हिचकिचाया क्यों करती थी। तो इसका आंसर होगा, वोली हैड नेवर बीन टेकन आउट एनी वेयर, सी गॉट अफ्रेड व्हेन सी वाज मैड रेडी टू गो टू स्कूल, यानी भोली को कभी बाहर नहीं ले जाया गया था, इसलिए जब उसे स्कूल के लिए तैयार किया गया तो वह डर रही थी। 6 नंबर क्वेश्चन है, गिव 2 पॉइंट्स टू शो दैट भोलीज वेडिंग वाज अ ग्रैंड वन, यानी कोई ऐसे 2 बिंदुओं को बताइए जिससे यह पता चलता है कि भोली की शादी एक शाही शादी थी। तो इसका आंसर होगा, द ब्राइड ग्रूम केम विथ अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, यानी दूल्हा अपने रिश्तेदारों व मित्रों के साथ आया था। सेकेंडली अ ब्रास बैंड वाज आल्सो प्लेइंग, और पीतल वाला बैंड भी बज रहा था। दिस शोज दैट इट वाज अ ग्रैंड वेडिंग, ये दर्शाता है कि वह एक शानदार शादी थी। 7 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड भोली कंसोल हर फादर इन द एंड, यानी अंत में भोली ने अपने पिता को कैसे समझाया। तो इसका आंसर होगा, भोली टोल्ड हर फादर दैट सी वुड लुक आफ्टर देम इन देयर ओल्ड एज, यानी भोली ने अपने पिता को बताया कि वह बुढ़ापे में उनकी देखभाल करेगी। बट रिफ्यूज्ड टू मैरी अ ग्रीडी मैन, लेकिन उसने एक लालची आदमी से विवाह करने से मना कर दिया। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाउ वाज भोलीज फर्स्ट डे एट स्कूल, यानी विद्यालय में भोली का पहला दिन कैसा था। इसका आंसर होगा, इन द बिगिनिंग सी वाज वेरी अफ्रेड, बट आफ्टर सम टाइम लेटर व्हेन हर टीचर स्पोक टू हर काइंडली शी लाइक्ड इट, शुरू में उससे बड़ा डर लगा, लेकिन बाद में जब उसके अध्यापक ने उसे प्यार से बात की तो उसे अच्छा लगा।
9 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डिड द विलेजर्स सी आफ्टर सम इयर्स, यानी गांव वालों ने कुछ सालों बाद क्या बदलाव देखे। तो इसका आंसर होगा द विलेज बिकम अ स्मॉल टाउन, यानी गांव एक छोटा शहर बन गया। प्राइमरी स्कूल बिकम अ हाई स्कूल, और जो प्राथमिक विद्यालय था वह एक हाई स्कूल बन गया। देयर वर नाउ अ सिनेमा हॉल अंडर अ टिन सेट, और टिन सेट के नीचे सिनेमा घर बना। द मेल ट्रेन बिकेम टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, और रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकने लगी। इसमें 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग, यानी सुलेखा ने हकलाना क्यों शुरू कर दिया। तो इसका आंसर होगा सुलेखा हैड सस्टेन्ड हेड इंजरी, यानी सुलेखा के सिर पर चोट लग गई थी। सी वॉज अ स्लो लर्नर चाइल्ड, यानी वह मंद बुद्धि बालिका थी। नो वन यूज टू टॉक हर, कोई उससे बात नहीं करता था। एज अ रिजल्ट सी स्टार्टेड स्टैमरिंग, और परिणाम स्वरूप उसने हकलाना चालू कर दिया। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आएगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में अपने क्लासमेट के साथ इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।